वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। CAA नागरिकता संशोधन कानून, जिसको लेकर देश की सड़कों में महीनों तक जिहादियों ने तशरीफ रगड़ डाली थी, उसी कानून की बदौलत कुछ लोगों को अब नई जिंदगियां मिलने लगी हैं, जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश से सामने आया है। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद विदेशों से आए हिंदुओं समेत तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोग जो भारत का रुख करते हुए यहां रहकर गुजर बसर करने से लेकर जीवन यापन करने आए हैं, उनके लिए सरकार नागरिकता देने का कानून ला चुकी है, तो वहीं इसका फायदा भी अब लोगों को मिलता दिख रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास से भोपाल में रह रहे पाकिस्तान समेत अन्य देशों से आए 7 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारत की नागरिकता पाने वाले लोगों को सर्टिफिकेट बांटे हैं। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देने का है। विनोद छाबड़िया, मुकेश कुमार धारानी, उमेश थारानी, अनिकेत कुमार, कुमारी मुस्कान और रीवा कुमारी। नागरिकता पाने वाले उमेश थारानी और मुस्कान कुमारी ने नागरिकता पाने के खुशी में क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। मेरा नाम उमेश थारानी है, आज हमें नागरिकता मिली है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज मैं एक हिंदुस्तानी कहलाने को फील कर रहा हूँ खुद को। मैं तो मुझे बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ मिश्रा जी, मंत्री जी का और हमारे मोदी जी का। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ की नागरिकता मिली। हम यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, आदमी से रह सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं और हम अच्छे से यहाँ पे अपना मतलब आगे बढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बवाल मचाया गया था, वहीं अब लोगों को फायदा मिलता दिख रहा है, इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।